फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि दुनिया तबाह होने वाली है। ऐसा लगता था कि तकरीबन 1000 साल से सूरज की प्रचंड शक्ति ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को तबाह कर रखा है। उसकी हद से ज्यादा हीट ने अर्थ की सरफेस को जला दिया था, जिस वजह से पृथ्वी पर हानिकारक तूफान और हिंसा क्योस जैसी आफात पैदा हो रही थी। सूरज अपने खात्मे के करीब होने की वजह से आग के शोले फेंक रहा था, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीप स्पेस में इंसानों के बनाए गए एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन को देखते हैं, जिसका नाम न्यू ट्रिनिटी था। यहाँ इंसानों ने सूरज के इन खौफनाक शोलों से मुकाबला करने के लिए एक पावरफुल एंटी मैटर बॉम्ब बनाया था। स्पेस स्टेशन के अंदर हम कैप्टन स्टीव को देखते हैं, जो कि इस बॉम्ब को हैंडल करने वाले एआई फ्रेडी से बात कर रहा होता है। कैप्टन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फ्रेडी बॉम्ब को एक कार्गो स्पेसशिप शिकागो में लोड करता है, एंड देन वो शिप शिकागो उस बम को एक और यूनाइटेड कमांड स्टेशन स्काई टाउन में ट्रांसफर कर देती है, ताकि स्टार फायर मिशन की तैयारी की जा सके। मीनवाइल अर्थ पर लास वेगास में वन एक्सल नामक कंपनी के हेडक्वार्टर में बोर्ड मेंबर स्टार फायर मिशन पर डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर एक साइंटिस्ट डॉक्टर हैस उन लोगों को बताता है कि जल्द ही बहुत बड़ा शोला आने वाला है, जिससे कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा, सो हमें इस मिशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी मैटर बॉम्ब उस फ्लेयर को डाइवर्ट करके अर्थ से दूर आउटर स्पेस में ले जाएगा। बट कंपनी के चेयरमैन आर्नल्ड और कुछ बोर्ड मेंबर्स इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि ऐसी कोई तबाही आ सकती है, और कहते हैं कि हमें इस मिशन में इन्वेस्ट करने की बजाय अर्थ के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ स्पेस में कैप्टन स्टीव अपनी टीम के साथ स्काई टाउन पहुंचता है। वहां पर उन्हें एक बायोजेनेटिकली इनहेंस्ड कैडेट एलेक्स मिलती है। वो फिजिकली और मेंटली दूसरे लोगों से ज्यादा स्ट्रांग थी। देन स्टीव एक कैबिन में अपने डैड स्कीट से मिलने जाता है, जो कि इस मिशन के कमांडर थे। स्कीट इस बात से खुश नहीं था कि उसका बेटा इतने रिस्की मिशन के लिए खुद को वॉलंटियर कर रहा है। लेटर ऑन एक ऑफिसर ब्रॉक सबको बताता है कि उस मेगा फ्लेयर के वीनस तक पहुंचते ही इंसानों की 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। बट एलेक्स का कहना था कि अगर वो लोग बम को सूरज के सही स्पॉट पर गिरा दें, जो कि रीजन 17 है, तो मेगा फ्लेयर डाइवर्ट हो जाएगा और मे बी इससे आने वाला अपोकलिप्स ही टल जाए। उसके बाद कैप्टन स्टीव सबको मिशन का एक्शन प्लान बताता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें स्पेसशिप हीलियोस में स्पेस के एक पॉइंट तक पहुंचना था, जहां शिकागो एंटी मैटर बॉम्ब लाएगी और फिर वहां से आगे उनमें से कोई एक मैनुअली शिकागो को लेके जाएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए वो लोग सिर्फ फ्रेडी मतलब एआई पर रिलाय नहीं कर सकते थे। देन इस डिस्कशन के बाद वो लोग शिकागो को डिस्पैच कर देते हैं उस पॉइंट तक जाने के लिए। अगले सीन में अर्थ पर एक एयरक्राफ्ट डेजर्ट में क्रैश कर जाता है। फॉर्चुनेटली पायलट बच गया था, लेकिन इस डेजर्ट में उसके पास कुछ भी नहीं था, इवन कि उसकी कंपास भी खराब हो जाती है। अब तो वो इस डेजर्ट में खो जाने वाला था। वो हेल्प ढूंढने के लिए इधर उधर फिरने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये पायलट कैप्टन स्टीव का बेटा माइक है, जो कि अपने डैड से मिलने के लिए अकेडमी से भागा था। जब इस बात का पता स्पेस में मिस्टर स्कीट को चलता है, तो अपने पोते को ढूंढने के लिए खुद अर्थ पर जाने का फैसला करता है। वो असल में बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि उसका बेटा एक सुसाइड मिशन पर जा रहा था और पोता एक्सीडेंट के बाद से गायब था। उधर माइक काफी देर चलने के बाद एक छोटे से हट में पहुंचता है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी ट्रेविस था। माइक उस आदमी से कहता है कि मुझे क्रीब आर्मी बेस में ले जाओ, वहां मुझे अपने डैड से मिलना है। ट्रेविस मान गया था और वो उसे अपनी बाइक पर लेके जाता है, बट रास्ते में ही बाइक का टायर खराब हो गया था और वो दोनों वहां फंस जाते हैं। कुछ देर बाद वहां से वन एक्सएल के ट्रक्स गुजरते हैं, जिनमें से एक को रोक के वो दोनों उस पर चढ़ जाते हैं। बट थोड़ा आगे जाने पर ही बागियों के ग्रुप ने ट्रक पर अटैक कर दिया था, लेकिन ट्रेविस को देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि वो एक्स कर्नल है, सो वो लोग उन्हें जाने देते हैं। मीनवाइल न्यू ट्रिनिटी में वन एक्सएल के चेयरमैन आर्नल्ड का आदमी एलेक्स को किडनैप कर लेता है, एंड देन उसके सिस्टम में चेंजेस करने के बाद आर्नल्ड को कॉल करके बताता है कि हम एलेक्स को अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ रिवील होता है कि आर्नल्ड ने फ्यूचर के लिए खाना पानी और बीज प्रिजर्व करने पर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसलिए वो चाहता था कि ये बॉम्ब वाला मिशन सफल ना हो। डॉक्टर हैस ये बात जानने के बाद आर्नल्ड को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होने वाला था, मगर आर्नल्ड बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता। उसका पूरा फोकस तबाही की खबर से होने वाली पैनिक सिचुएशन से प्रॉफिट कमाने पर था। लेकिन जब डॉक्टर अपनी बात पर इंसिस्ट करता रहता है, तो आर्नल्ड उसे डेजर्ट में भिजवा देता है, ताकि उसके रास्ते में ना आए। अगले सीन में कैप्टन स्टीव की टीम के सब लोग हीलियोस में बैठ के मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, बट रास्ते में स्पेसशिप के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वॉल्व जैम हो जाते हैं और इंजन के कोलेंट टर्बो में भी वाइब्रेशन हो रही थी। एलेक्स को उसे ठीक करने के लिए बुलाया जाता है,
मगर सिस्टम में खराबी की वजह से वो नहीं कर पाती। सो अब किसी टीम मेंबर को मैनुअली रेडिएशन चैम्बर में जाके इस इशू को रिजॉल्व करना था। ये काम काफी रिस्की था, फिर भी एक आदमी मिक्स बोलता है कि ये काम मैं करूंगा। उसे स्पेस सूट पहना के वहां भेज दिया जाता है। उसने वहां जाके जैम वॉल्व तो किसी तरह खोल दिया था, मगर इससे उसकी डेथ हो गई थी। इस हादसे से सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं, बट कैप्टन उनमें मिशन पर फोकस करने की हिम्मत पैदा करता है। दूसरी तरफ स्कीट अपनी फोर्स को लेकर डेजर्ट में उस जगह पहुंचता है जहां माइक का प्लेन क्रैश हुआ था। उन्हें प्लेन के टुकड़े मिल जाते हैं, बट माइक का कुछ पता नहीं चलता। मीनवाइल हम ट्रेविस और माइक को एक लोकल बार में देखते हैं, जहां न्यूज से उन्हें दुनिया में होने वाले झगड़े और तबाही का पता चलता है। माइक कहता है कि स्टारफायर मिशन पूरा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ डेजर्ट में बागियों के ग्रुप को डॉक्टर हैस मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो लोग उसे उठा के उसी बार में ले आते हैं। उस एरिया में कोई डॉक्टर ना होने की वजह से हैस को अपने बचने की उम्मीद नहीं थी, सो वो माइक को 1XL कंपनी के शैतानी प्लान के बारे में बता देता है। बाहर ट्रेविस किसी आदमी से आर्मी बेस कैंप तक लिफ्ट मांगता है, मगर गाड़ी में सिर्फ दो लोगों की जगह थी, सो वो और माइक वहां से चले जाते हैं डॉक्टर हैस को छोड़ के। उनके जाने के बाद बागियों के ग्रुप को डॉक्टर हैस के आईडी कार्ड से पता चलता है कि वो 1XL कंपनी के लिए काम करता था। सो वो कंपनी के हेडक्वार्टर में कॉल करके उन्हें बताते हैं, जिसके तुरंत बाद आर्नल्ड और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं, बट तब तक डॉक्टर हैस की डेथ हो चुकी थी। वहां ग्रुप से आर्नल्ड को माइक और ट्रेविस के बारे में पता चलता है, और ये भी कि डॉक्टर ने बनने से पहले उस लड़के यानी माइक से कोई खास बात की थी। सो आर्नल्ड अपने आदमियों को दो टीम्स में माइक और ट्रेविस के पीछे भेजता है, एंड जल्द ही वो दोनों पकड़े गए थे। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने ठिकाने पर ले जाया जाता है। मीनवाइल स्पेस में कैप्टन स्टीव और उसकी टीम बताए हुए पॉइंट पर पहुंच के शिकागो से अपनी शिप को लिंक कर देते हैं। देन टीम अगले फेज की तैयारी करती है कि तभी एलेक्स एक क्रू मेंबर मिनामी के पास जाके उसका एक्सेस कार्ड मांगती है कुछ देर के लिए। अगले सीन में हम ट्रेविस को देखते हैं, जिसे 1XL कंपनी वाले बुरी तरह मार रहे थे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, मगर ट्रेविस को तो कुछ पता ही नहीं था तो वो क्या बताता। लेकिन वो लोग इसे उसका इनकार समझते हुए और ज्यादा मारते हैं, जिससे ट्रेविस की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ स्कीट और उसकी टीम भी माइक को ढूंढते ढूंढते उस बार में पहुंच जाते हैं, और बागियों के ग्रुप से पूछने पर जब उसे पता चलता है कि माइक 1XL कंपनी वालों की कस्टडी में है, तो अपनी टीम को उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजता है। मेन बाल हीलियस शिप में एक खराबी हो जाती है, कहीं से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लीक हो रही थी। कैप्टन स्टीव, ब्रॉग और कुछ और टीम मेंबर्स उसे चेक करने जाते हैं, मगर ब्लॉक के ऑक्सीजन वेंट खोलते ही बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, और लीकेज बंद करने के लिए कैप्टन स्टीव खुद जाता है, लेकिन उसका काम पूरा करने तक 63% ऑक्सीजन कम हो चुकी थी, मतलब वापस पृथ्वी तक जाने के लिए ऑक्सीजन नहीं बची थी उनके पास। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन को शक हो गया था कि कुछ गलत है। उसे फील हुआ था कि शायद किसी ने शिप के सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ की है, सो वो लेफ्टिनेंट टीसी से उन सब क्रू मेंबर्स का एक्सेस कार्ड लाने को कहता है जिनके पास सिस्टम को मैनिपुलेट करने की अथॉरिटी थी। आर्नल्ड माइक से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसे एक वीरान बीच पर ले जाके मारने का ऑर्डर देता है, मगर माइक किसी तरह खुद को बचा के पहाड़ों की तरफ भाग गया था। आर्नल्ड का आदमी उस पर गोलियां चला रहा था, बट वो सेफ रहता है। दन पहाड़ के ऊपर ट्रैप सेट करने के बाद वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है, और जब वो आदमी ट्रैप के पास पहुंचता है तो माइक किसी तरह उसे गिरा के गन छीन लेता है, और फिर माइक ने उसे मार डाला था। इसके कुछ ही देर बाद स्कीट और उसकी टीम वहां पहुंच के माइक को ढूंढ लेते हैं। स्कीट उसे सही देख के बहुत खुश हो गया था। माइक उसे डॉक्टर हैस की बात बताता है, तो स्कीट किसी तरह ये मैसेज हीलियस तक भेजने की कोशिश करता है, बट पहले हुए डैमेजेस की वजह से शिप का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका था। लेटर ऑन रात को स्कीट अपनी फोर्स के साथ 1XI के हेडक्वार्टर पर छापा मारता है आर्नल्ड को पकड़ने के लिए, बट आर्नल्ड अपने प्लेन में वहां से भाग रहा था, तो स्कीट के ऑर्डर पर आर्नल्ड के प्लेन को रॉकेट लॉन्चर से हवा में ही उड़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ हीलियस सूरज के ऑर्बिट के करीब पहुंच चुकी थी, बट अभी तक वो लोग शिप को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस ब्लास्ट की वजह से। कैप्टन बोलता है कि अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही सूरज की लपेट में आ जाएंगे। इस बढ़ती हुई मुश्किल सिचुएशन के बीच में उन्हें पता चलता है कि शिप के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाला एक्सेस कार्ड डॉक्टर मिनामी का है, तो कैप्टन तुरंत उसे टर्मिनेट करने का ऑर्डर देता है। उसे ये नहीं पता था कि सारे टाइम में एलेक्स मिनामी का एक्सेस कार्ड यूज करती रही। मीनवाइल डॉक्टर मिनामी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बॉम्ब को मैन्युअली डिस्चार्ज करने का टाइमर 6 मिनट पर सेट कर दिया गया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए फ्रेडी को प्रोसेस कैंसिल करने के लिए कहता है, बट उसकी कोशिश का कोई फायदा नहीं होता। सो कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो खुद सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, और वहां विस्फोट से उसकी डेथ हो गई थी।
उसके बाद इस अर्जेंट सिचुएशन को देखते हुए कैप्टन स्टीव एलेक्स को बुलाने के लिए जाता है ताकि वो सब हैंडल करे, मगर वो बेहोश होकर गिरी हुई थी। ये देखकर सब लोग हिम्मत हारने लगते हैं क्योंकि फ्रेडी को कमांड सिर्फ एलेक्स और डॉक्टर मिनामी ही दे सकते थे। सो कैप्टन लेफ्टिनेंट से बोलता है कि वो चेक करे अगर इन दोनों में से किसी की रिकॉर्डेड आवाज सिस्टम में पड़ी हो तो, ताकि फ्रेडी को ट्रिक किया जा सके, बट कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी क्योंकि स्पेसशिप सूरज के करीब पहुंचती जा रही थी और बम टाइमर भी एक मिनट का रह गया था। लेकिन आखिर कुछ ही सेकंड्स पहले एलेक्स को होश आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत को यूज करके सिस्टम पर कंट्रोल संभाल लेती है और लास्ट सेकंड पर उसने फ्रेडी को कमांड देके एक्सप्लोजन रुकवा दिया था। एंड देन सब कुछ नॉर्मल होते ही फ्रेडी रिवील करता है कि एलेक्स ने उसे रीप्रोग्राम करके टाइमर एक्टिवेट किया था। ये जान के कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो एलेक्स से ये सब करने की रीजन पूछता है तो वो बताती है कि किसी ने उसके माइंड को कंट्रोल करते हुए ये सब कराया जबकि वो करना नहीं चाहती थी। इसी बीच फ्रेडी उन्हें बताता है कि ये रीजन 17 है और कहता है कि उन्हें एक मिनट के अंदर शिकागो को डिस्पैच करना होगा। ये सुन के एलेक्स शिकागो में जाने का डिसाइड करती है उसे मैनुअली कंट्रोल करने के लिए क्योंकि वो अपनी की गई गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है तो एलेक्स उसे नीचे गिरा के कार को शिप में चली जाती है और उसे कंट्रोल करते हुए हीलियोस से दूर अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगती है एंड देन अपने पॉइंट पर पहुंचने के बाद बॉम्ब चला देती है जिससे बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है जो कि फाइनली सन को स्टेबल कर देता है। अब उनका मिशन कंप्लीट हो गया था और अर्थ की तरफ बढ़ने वाला खतरा भी टल जाता है। कैप्टन और उसकी टीम वापस अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं बाकी बची 31% ऑक्सीजन के साथ। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।